हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है बजाज पल्सर 125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर वाली है। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाते चलें। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस गाड़ी में यहाँ पे BS6 के तौर पे इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ यहाँ पे इसका TPS सेंसर और बहुत सारे सेंसर अटैच है। और ब्रांड अगर यहाँ पे आपको दिखाएं तो 125 का लोगो इस जगह पे देखने को मिलेगा। और इस जगह पे इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर होने के कारण इस जगह पे आपको फ्यूल का कॉक ऑन ऑफ करने का सिस्टम देखने को मिलेगा। बट आज जिस रीज़न से मेरे पास गाड़ी आई है, इसमें जो प्रॉब्लम है, गाड़ी आइडलिंग में रुक नहीं रही। ऐसा फील हो रहा है कि इसका थर्मल सेंसर ख़राब हो गया है। तो जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आता है कि गाड़ी आपकी आइडलिंग में ना रुके, तो किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं किस तरह से प्रॉब्लम कर रही है। तो प्रॉब्लम को चेकआउट करने के लिए सबसे पहले इसके इग्निशन को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसके इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट का एरर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी आइडलिंग में क्यों नहीं रुक रही है। तो आइडलिंग में न रुकने का बहुत सारे ऐसे रीज़न है, क्योंकि कार्बोरेटर है तो ज़रूर इसके अंदर स्लो जेट भी लगाया गया है, मेन जेट भी लगाया गया है, ज़रूर इसके अंदर थर्मल सेंसर लगाया गया। तो कौन कौन से स्टेप को यूज करेंगे सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो देख पा रहे कितनी ख़राब इसकी आइडलिंग है, जबकि इसका थर्मल सेंसर अगर हमारा एक्टिवेट होता, थर्मल सेंसर अगर हमारा काम करता तो गाड़ी का स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता और हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ती डिवाइडर में। अभी देख पा रहे एकदम कम से कम आइडलिंग में है गाड़ी। तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल में बताएंगे एक एक स्टेप क्या क्या चेक करना है। आइडलिंग आप देखें, एक जरी सी गाड़ी में पावर है ही नहीं, इतनी ख़राब आइडलिंग होने की वजह से क्या होता है कि जिससे गाड़ी को डिवाइडर में स्लो करने की कोशिश करते गाड़ी बंद हो जाती है, जबकि BS6 में ये होना नहीं चाहिए। तो मैंने देखी इसमें चेकआउट कैसे किया है। तो चेकआउट करने के लिए यहाँ पे इसके TPS सेंसर को जैसे ही ओपन करते हैं तो इसके अंदर पानी के कुछ कुछ आसार दिखे हैं मेरे को। यहाँ पर अगर आपको दिखाएँ तो इसके अंदर पानी वगैरह का इसके अंदर देखो छिड़काव देखने को मिला था। तो अभी सबसे पहले इसके अंदर OBD को इंस्टॉल करते हो और देखते कि क्या कहीं से कुछ एरर है, क्या TPS सेंसर इसका ख़राब हो चुका है या फिर कहीं और कोई सेंसर का प्रॉब्लम है। उससे पहले आपको एक बार और फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। गाड़ी रेस होने के बजाय एकदम डाउन चली जाती है और एक जरा सा भी गाड़ी में मौसम नहीं बनाती। तो देख पा रहे अभी इग्निशन को ऑन कर दिए, चेक इंजन लाइट यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा, बट आइडलिंग देखें एकदम रद्दी आइडलिंग, एक जरी से गाड़ी में आइडलिंग नहीं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए गाड़ी बंद होनी ही नहीं चाहिए, गाड़ी बंद। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। देखिए स्टेप हम क्या क्या यूज करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता कर लेना पड़ेगा कि इसके अंदर सेंसर और एक्चुएटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके OBD को असेंबल करेंगे। वैसे भी इसके चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है, तो चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है उसके बावजूद भी गाड़ी इस तरह से आइडलिंग में क्यों बंद हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर OBD ALM को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से केबल है, अगर अभी तक आप केबल परचेज नहीं किए, मेरे पास बहुत सारा केबल अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ये एक प्लग इन प्ले है और एक ये 2-in-1 प्लग इन प्ले है, बहुत सारे केबल मेरे पास हैं। तो अभी चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं OBD के साथ, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई सेंसर का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर OBD ALM को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे केबल कनेक्शन लेने के बाद इस जगह पे ELM को कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे इग्निशन को ऑन करेंगे। और इग्निशन को ऑन करने के बाद रेड कलर का सिम्बॉल जलना शुरू हो गया, यानी इसके जो OBD है यहाँ पर इसके बाइक से कनेक्ट हो चुका है। तो आप इसको मोबाइल से कनेक्टिविटी लेते हैं और आपको हम फाइनल चेकआउट कराते हैं। और OBD का बहुत सारे वीडियोस डिटेल में बनाए हैं, तो वह सारे वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम का, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और उसके बाद फिर आपको हम दिखाते चलते हैं एक एक प्रोसेस के बारे में। तो मैकेनिक दोस्तों, देख पा रहे हैं हमारा OBD कनेक्ट हो चुका है, ये देख पा रहे इसका RPM फ्लक्चुएट कर रहा है। अब चलिए इसका देख लेते हैं चेक फॉल्ट में कोई फॉल्ट कोड है क्या। तो गाड़ी बंद होने का बहुत ज़्यादा डर है, देख पा रहे हैं जैसे हम एक्सीलेटर खींचते हैं और इस बार प्रॉब्लम का चौक भी करते हैं।
तो प्रॉब्लम में भी बताएगा, देख पा रहे हैं यहाँ परसेंटेज चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉरी बंद हो गई, इसके अंदर जीरो फॉल्ट बता रहा है, यानी इसके सेंसर रिलेटेड कोई फॉल्ट है ही नहीं, फिर भी गाड़ी बंद हो जा रही है, यानी इसके सेंसर और एक्चुएटर में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो प्रॉब्लम है, या तो इसके कार्बोरेटर में कचरा है यानी स्लो जेट और मेन जेट में प्रॉब्लम है, या फिर अगर दूसरे स्टेप की ओर देखा जाए तो इसका जो चारकोल कैनिस्टर है यानी BS4 वाले सिस्टम, उसके पाइपलाइन ब्लॉक पड़ गए हैं। तो उसको कैसे चेकआउट करेंगे, उससे पहले क्या है, इसके जो नीचे ड्रेन पाइप होता है पेट्रोल का, उससे हम फ्यूल गिरा लेते हैं सारा, ताकि अगर पानी वगैरह का मिश्रण हो तो वो सारा खत्म हो जाए। तो देख पा रहे हैं फ्यूल का मैंने ऑफ कर लिया है, अब इसके पिचकस से यहाँ पे या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ से सारा जो डस्ट पार्टिकल होगा कम्प्लीटली निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा जो इसका पेट्रोल है डस्ट वाला ही कम्प्लीटली निकाल दे रहे हैं। अगर आपको नीचे करके दिखाएं तो आप ये सारा पेट्रोल इसका निकाल दे रहे हैं, ये देखिए। तो जितना भी डस्ट पार्टिकल वाला पेट्रोल था मैंने सारा ड्रेन कर दिया। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं हमारी गाड़ी आइडलिंग में रुकती है या नहीं रुकती है। तो देख पा रहे हैं गाड़ी में कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया, यानी इसमें जो है फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी अभी सोल्यूशन तक पहुँचे नहीं है। अब इसका जो एंड में प्रॉब्लम है, ये इसका चारकोल कैनिस्टर तक जाता है। अगर आपको यहाँ पे दिखाते चलें तो इस जगह पे इसका चारकोल कैनिस्टर लगाया गया है इस जगह पे, और इसका पाइप इधर से होते हुए इसके इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में गया। चलिए आपको राइट साइड से दिखाते हैं, और गाड़ी एक भी जरा सा रेस नहीं है। तो चलिए आपको उस पाइपलाइन तक ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैकेनिक दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मैंने सारा स्टेप चेक किया, इसका ना ही सेंसर में प्रॉब्लम है ना ही वायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसका जो प्रॉब्लम एंड में बच जाता है, इसके जो है चारकोल कैनिस्टर का प्रॉब्लम बच जाता है, तो उसको चेकआउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके चारकोल कैनिस्टर के पाइप को चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको हम बताते चलें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह जो पाइप है यह चारकोल कैनिस्टर से डायरेक्ट डिटेक्ट होता है। तो चारकोल कैनिस्टर के इस पाइप को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए प्लायर का मदद लेंगे, और इस वाले पाइप को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, इसको ओपन करने के बाद आपको हम तो प्लायर की मदद से इसको बाहर लेते हैं। उसके बाद आपको हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये पाइपलाइन ब्लॉक पड़ जाता है या फिर कुछ मैकेनिज्म के में खराबी आ जाने के रीज़न से गाड़ी आइडलिंग में नहीं रुकती है। जब भी आपके पास पल्सर आती है यह ट्रिक जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए इसको हम बाहर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं अभी क्रिएट प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। एडी प्लस होते उतरे तो प्लायर की मदद से लॉक को बाहर ले लिए हैं, और इस वाले पाइप को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए पाइप को बाहर निकाल दिए, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन को ऑन करेंगे, अब RPM देखें, यह रियल RPM है BS6 की गाड़ी का, देख इतना RPM बढ़ गया है। और जैसे इसको हम लगाएंगे इसका RPM कम होते चला जाएगा। ये रियल RPM, अब गाड़ी क्या होगी देखिए, RPM देखिए, सिर्फ पाइप लगा देने के बाद RPM देखिए कितना कम होने लगता है, एकदम कम। और जैसे पाइप को ओपन करेंगे हमारा RPM जो एकदम प्रॉपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लगाएंगे और RPM का प्रॉब्लम, यानी मेन जो प्रॉब्लम का होता है इस वाले पाइप से होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आए सोल्यूशन इसी से निकालिएगा। तो चलिए आप गाड़ी को बंद कर लेते हैं। तो इसका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए आपको परफेक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए इसके चारकोल कैनिस्टर तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपको हम प्रोसेस बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आती है, पल्सर सारा सेंसर वगैरह वर्क है प्रॉपर तरीके से, फिर भी गाड़ी आइडलिंग में नहीं रुक रही, तो आपको इस वाले पाइपलाइन को ज़रूर चेकआउट करना है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।